Welcome to Monk and Parmanu, and today we are discussing our new topic, that is group velocity and phase velocity. So let's begin with me. First of all, we consider the definition of group velocity. The group velocity of a wave is the velocity with which the overall envelope shape of wave amplitude, yeah, for envelope of wave propagates through space and denoted by Vg. Iska matlab hai कि जो वेव पैकेट है वो पूरा पैकेट उसकी जो पूरी शेप है एनवेलप टाइप वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है स्पेस के अंदर उसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी. इन अदर वर्ड्स द ग्रुप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच द स्लोली वेयरिंग एनवेलप और पैकेट ड्यू टू ग्रुप ऑफ वेव्स ट्रेवल इन ए मीडियम. तो सिमिलर डेफिनेशन है, कोई भी पैकेट है उसके अंदर जो वेव्स हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स हैं, वो वेयरिंग होती हैं, उनका एम्पलीट्यूड वेरी करता रहता है, और जब वो पूरा पैकेट किसी एक डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी के साथ चलता है तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी. इसी को कुछ और अच्छे से समझने के लिए हम डायग्राम में देखते हैं. डायग्राम में हमारे पास एक वेव पैकेट है. इस वेव पैकेट के अंदर बहुत सारी ग्रुप ऑफ वेव्स हैं जो कि किसी अलग फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हैं. लेकिन इस पैकेट की अगर हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देखें तो वो लेफ्ट टू राइट है. अब अगर हम इसका यहाँ से एम्पलीट्यूड देखते हैं, ये एम्पलीट्यूड अभी यहाँ है, ये वेलोसिटी इस टाइम पे यहाँ है, इसका जो पोजीशन है इस पैकेट का. अगर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं तो ये जो पोजीशन थी, ये वेव पैकेट था, ये वेव पैकेट कुछ राइट को खिसक गया है. अब उसने यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम किया तो ये कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल हुआ. अब वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है उसको डिनोट करने के लिए हमें ये पोजीशन डिवाइडेड बाई वो टाइम डिनोट करना होगा, लिखना होगा, तभी हम वेव पैकेट की वेलोसिटी लिख सकते हैं. तो वेव वेलोसिटी यानी कि वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है जिसके द्वारा कोई भी वेव पैकेट या एनवेलप स्पेस में ट्रेवल करता है. अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फेज वेलोसिटी. इनसाइड ए वेव पैकेट और एनवेलप देयर एग्जिस्ट ए वेव, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दैट वेव इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी. अब वेव पैकेट के अंदर एक वेव होती है, उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू द वेव एनवेलप, एनवेलप के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग. अब वो जो वेव है जिसका एम्पलीट्यूड वेरी करता रहता है वो भी प्रोपेगेट करती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव पैकेट जा रहा होता है. तो उस वेव की वेलोसिटी को हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी. और जो ग्रुप वेलोसिटी है वो उस पार्टिकल की वेलोसिटी होती है जो कि वेव नेचर शो कर रहा है. लेट ई इज़ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव, ई इज इक्वल टू एच न्यू इज़ द एनर्जी. अगर हम आइंस्टीन्स इक्वेशन लिखें ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू होगी एम सी स्क्वायर बाई एच, एम सी स्क्वायर बाई एच यूजिंग बोथ टू इक्वेशंस. वी नो फेज वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेटिंग वेव. जो फेज वेलोसिटी है वो वेव की प्रॉपर्टी है ना कि उस वेव पैकेट की. तो फेज वेलोसिटी हम लिख सकते हैं उस वेव के अकॉर्डिंग, जिस वेव की फ्रिक्वेंसी न्यू है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो वी पी होगा यहाँ पर न्यू लैम्डा. और वी पी की यहाँ वैल्यू होगी सी स्क्वायर बाई वी. अगर हम इक्वेशन यूज़ करें वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाई एच और लैम्डा की वैल्यू यूज़ करें एच ओवर एम वी, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके वी पी की वैल्यू लिख सकते हैं सी स्क्वायर बाई वी, और ये है डी ब्रोगली वेव वेलोसिटी. नाउ द अबोव इक्वेशन टेल्स अस दैट वी पी इज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अगर हम यहाँ देखते हैं फॉर्मूला वी पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वी, अब इसका मतलब ये है कि सी स्क्वायर का मतलब होगा सी का भी स्क्वायर यानी कि उसका भी उतने ही टाइम्स. इसका मतलब ये होगा जो वेलोसिटी है वो होगी सी से भी कुछ ज़्यादा, जबकि वो पॉसिबल नहीं है. वी नो डी ब्रोगली वेव और वेव दैट हैव वी पी यानी कि फेज वेलोसिटी इज अंडर या फिर इनसाइड दैट वेव पैकेट. इफ़ वी पी इज़ ग्रेटर इट मीन्स द पार्टिकल वॉज लेफ्ट बिहाइंड बाई द वेव. अब वी पी अगर यानी कि उस पैकेट के अंदर की जो वेव है वो कुछ ज़्यादा वेलोसिटी से चलती है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो वो पार्टिकल है, वो जो पैकेट है वो धीरे चल रहा है और उसके अंदर की वेव ज़्यादा तेज़ चल रही है. इसका मतलब वो जो पैकेट है वो पीछे रह जाएगा और वेव है जो वो आगे निकल जाएगी. दिस इम्प्लाइज दैट
ए मटीरियल पार्टिकल कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू ए सिंगल वेव ट्रेन। अब इसको एक मेथड से ठीक हम कर सकते हैं, वो है कि इसका मतलब सिर्फ इतना सा होगा कि वो जो वेव है, जो मटेरियल पार्टिकल है, वो हम किसी भी एक वेव के इक्विवेलेंट नहीं रख सकते, सिंगल वेव के इक्विवेलेंट नहीं रख सकते, जबकि द मटेरियल पार्टिकल इज द मोशन इज इक्विवेलेंट टू ए वेव पैकेट रैदर देन ए सिंगल वेव। तो सिंपल सी बात ये समझ में आई कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी फेज वेलोसिटी नहीं होगी, उस वेव पैकेट की वेलोसिटी होगी, लेकिन जो कोई भी पैकेट है वो एक पार्टिकल के बराबर होगा और वही उसकी वेलोसिटी होगी। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि जो वेव वेलोसिटी है या फिर पार्टिकल वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटीज़ या फिर वेव पैकेट की वेलोसिटी भी होगी।